तो सवाल पूछने से नहीं डरता एबीपी न्यूज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम हो रहा है। कांग्रेस इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। तो वहीं संसद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने लोकसभा में अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की, उसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया और अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। तो ये 4 तस्वीरें बयान कर रही हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष पूरी तरह से लामबंद अजय मिश्रा टेनी को हटाने को लेकर, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर। सरकार का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जब SIT जांच कर रही है, तो अजय मिश्रा टेनी आखिर जांच को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? अगर उनके बेटे का नाम है तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो ऐसे में कोई जांच प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा आक्रामक अगर कोई नजर आ रहा है राजनीतिक तौर पर, तो वो कांग्रेस पार्टी है। लखीमपुर मुद्दे पर आज संसद में जमकर हंगामा भी हुआ है। लोकसभा में राहुल गांधी ने लखीमपुर का मुद्दा उठाया है संसद में, और वहीं सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं मंत्री के इस्तीफे की। और कुल मिलाकर जिस तरीके का हंगामा सदन में हुआ, इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसमें कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था। और काफ़ी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही। इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है, और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्वड है। तो राहुल गांधी का यही कहना है कि साजिश रची गई है और किसानों की हत्या हुई है लखीमपुर में। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी अजय मिश्रा टेनी के ऊपर हमला बोला है। उनका कहना है कि पत्रकार से अभद्रता से उनके चरित्र का पता चलता है। सुन लेते क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकार लोगों ने। टेनी के पिछले इतिहास को देखा होता तो उनके इस आचरण पर उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। उनका तो आचरण पुराना जो है वो कैसा रहा है मैं कह नहीं सकता हूँ। MP है, मंत्री है, राज्य मंत्री है, लेकिन लखीमपुर की जनता से पूछिए कि पहले करते क्या थे। ये तो लोग यही हैं, बिल्कुल मवाली लोग, किसी को गाली देना, किसी को धंधाई करना, और क्या क्या करते थे मैं नहीं कहना चाहता। इनके खिलाफ 50 मुकदमे लिखे हुए तो क्या नहीं करते थे। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग और चली नहीं रहा इसीलिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे। एक तरीके से बखिया उन्होंने उधेड़ कर रख दी और कह रहे हैं कि जरा सोचना होगा आपको कि किस तरीके का पहले भी प्रताप करते रहे हैं अजय मिश्रा टेनी। कुल मिलाकर विपक्ष आक्रामक है, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए। और इस सबके बीच कांग्रेस नेता है प्रमोद तिवारी ने भी अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। देखिए, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, 4 हत्याएं किसानों की कुचल कर करना जघन्य अपराध था, और उससे कम अपराध नहीं है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई मीडिया अपनी फर्ज को निभा रही हो तो आप सारी हदें पार करके मंत्री होते हुए झपट्टा मारेंगे आप उस मीडिया कर्मी की तरफ, अपमानित करेंगे गंदी गंदी गालियों के साथ। इनको एक पल भी वहाँ बने रहने का अधिकार नहीं है मंत्री पद पर। परंतु मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इंडियन पेनल कोड की दफा 201, 202, 203 के मुलजिम भी हैं अजय मिश्र टेनी। उसकी एकमात्र वजह है कि आप याद करिए, देश याद करे कि जब ये जघन हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने 3-4 झूठ बोले थे। वो देश के अंदर है, वो मौके पर मौजूद नहीं था उनका बेटा, उसने कोई अपराध नहीं किया है। इस तरह
वो जो साक्ष्य है, एविडेंस है, उसको तोड़ा मरोड़ा, उसको छिपाया, उसे इस तरह से प्रस्तुत किया कि अपने पद की ताकत को दिखाते हुए वो अपराधी न बने। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने सिर्फ एक बार नहीं दो बार डांट लगाई, नतीजा ये हुआ। तो अब मांग हमारी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि वो इस्तीफा दें, मांग हमारी ये है, जब लगा दिया SIT ने कोर्ट में और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसको स्वीकार कर लिया, तो अब अजय मिश्र टेनी इंडियन पेनल कोड की 201, 202, 203 के मुलजिम हैं, जिसमें 7 साल तक इनको सजा हो सकती है, 3 साल तक सजा हो सकती है। तो उनके खिलाफ FIR लिखी जाए, मुकदमा कायम हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो विपक्षी दल की पार्टी कोई भी हो, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, TMC हो, सभी की एक ही मांग कि इस्तीफा देना चाहिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को। अजय मिश्रा टेनी से जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने अभद्रता की। उधर उत्तर प्रदेश के BJP विधायक महेश त्रिवेदी जो हैं वो उनका बचाव करते हुए, यानी अजय मिश्रा टेनी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम बीजेपी के नेताओं की यही कहानी है कि सब अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, लखीमपुर कांड में जिस तरह का वाकया पेश आया, अब वो सोची समझी साजिश बताया जा रहा है SIT की रिपोर्ट में, आपको नहीं लगता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के तकाजे पर? ऐसा है, देखिए, मैं विधायक हूँ और राष्ट्रीय स्तर का हमारा संगठन है और राष्ट्रीय स्तर के लोग इस पर निगाह रखे हुए हैं, ये उनका अपना विचार है, इसमें मैं कोई विचार नहीं दे सकता। लेकिन अजय मिश्र टेनी की बौखलाहट नज़र आ रही है, वो पत्रकारों से भद्रता कर रहे हैं, उनके कैमरे छीन रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ये गलत हो रहा है? अब किसका क्या नेचर है, इसमें क्या कहा जाए, ये तो अपना व्यक्तिगत नेचर रहता है। सदन में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, हंगामा हो रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की साख पर, इमेज पर बट्टा नहीं लग रहा है? ऐसा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो मिला नहीं अभी तक और ना कोई मुद्दा है, तो विपक्ष चाहे हम अच्छा करेंगे तो उनको विरोध करना है और कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो उनको बोलना है, इसलिए पवित्र धारा चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, और निश्चित रूप से हम लोगों को जनता पसंद कर रही है, इसलिए ये विपक्ष के मुद्दों से खाली है, इसलिए कहीं कोई विषय है तो वो अपना स्टैंड करते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। पत्रकारों पर जिस तरह का हमला किया जा रहा है उसको आप क्या ठहराएंगे, क्या वो ठीक हो रहा है जिस तरह की बौखलाहट निकल रही है? पत्रकारों का विषय नहीं है, पत्रकारों का, पत्रकार भी अपने परिवार के हैं, आम लोग भी, पर हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए भाव में रहने वाले लोग हैं, तो इसलिए सभी का सम्मान का भावना है, सबके प्रति भाव रहता है सम्मान का। भारतीय जनता पार्टी विधायक महेश त्रिवेदी हैं, जिनका कहना है कि सभी के प्रति सम्मान का भाव रहता है और यदि ऐसा कृत्य हुआ है तो उचित नहीं है। BJP विधायक की आप बात सुन रहे थे, वो भी बचाव कहीं ना कहीं मंत्री जी का कर रहे हैं और लगातार एबीपी न्यूज सवाल ये उठा रहा है कि आखिरकार मंत्री जी को कुर्सी से कब हटाया जाएगा, मंत्री जी को क्यों बचाया जा रहा है, हम ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।